हेलो एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा डॉट कॉम। डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साल 2020 का आगाज हो चुका है और आप लोगों को ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग एक नए जोश और उत्साह के साथ इस साल अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और जो जो कमियां रह गई हैं 2019 में या और भी पिछले सालों में, उनको आप इसमें दूर करें और उन कमियों को बिल्कुल भी 2020 में दोहराएं नहीं, और एक नए जोश उत्साह के साथ तैयारी आप करिए। ठीक है, तो मैं हूँ उमेश मौर्या और आज आपके साथ मैं साल 2019 के आखिरी वीक यानी फोर्थ वीक ऑफ दिसंबर 2019 के जो इवेंट्स हुए हैं उन पे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या बन सकते हैं, उन्हीं एमसीक्यूज को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको ज़रूर देखिए, नोट करिए और अपने एग्जाम्स के लिए इसको ज़रूर हेल्पफुल मानिए। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि नासा के उस अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जिन्होंने अब तक का सबसे लंबा समय अंतरिक्ष में बिताया है। ऑप्शंस हैं निक हेग, जेसिका मेयर, क्रिस्टीना कोच, सुनीता विलियम्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है क्रिस्टीना कोच जी। इसमें आप ये जान लीजिए कि वो 14 मार्च 2019 से स्पेस स्टेशन पर हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो क्रिस्टीना कोच जो है वो अंतरिक्ष में पेगी विट्सन जो कि इसके पहले 288 दिनों का रिकॉर्ड बना चुकी हैं, तो इस रिकॉर्ड को ये ब्रेक कर चुकी हैं। ठीक है, और ये अब तक का सबसे एकल अंतरिक्ष यान में रहने का रिकॉर्ड बना है। ठीक है, तो जब फेब 2020 में ये वापस आएंगी अर्थ में, तो ये इनका जो काउंट होगा, नंबर ऑफ डेज जो होगा वो 300 डेज के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी जब ये वापस आएंगी तो वो भी एक इवेंट बनेगा, उस पर भी क्वेश्चन बनेगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए गुड गवर्नेंस इंडेक्स में किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है तमिलनाडु जी। और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें देखा जाए तो पुदुचेरी जो है वो सबसे अच्छा शासित प्रदेश रहा है। और आपको ये बता दें कि यह इंडेक्स जो है यानी गुड गवर्नेंस डे के दिन निकाला गया था। गुड गवर्नेंस डे जो है वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाया जाता है और ये 25 दिसंबर है, राइट? तो इस डे पे ये निकाला गया था और इसको अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसमें तमिलनाडु ने अभी टॉप किया है और पुदुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों में ने टॉप किया है, इसको आप याद कर लें। आगे देखते हैं। हाल ही में किस सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा गया है? ऑप्शंस हैं पीर पंजाल सुरंग, बर्देवाड़ी सुरंग, रोहतांग सुरंग, बंदर हिल सुरंग। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रोहतांग सुरंग है जी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है। और जैसे कि पासेस यानी दर्रे और सुरंग के टर्म में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो आप ज़रूर इसको दिमाग में रखिए। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यही है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सुरंग निर्माण का ऐतिहासिक फैसला लिया था। और इसके टर्म में थोड़ा और मैं आपको बता दूं कि यह सुरंग जो है वो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंगों में से एक होगी आगे चल के, जब जैसे ही इसका निर्माण फिनिश होगा। और इससे मनाली और किलोंग के बीच की दूरी लगभग बताई जा रही है कि 46 किलोमीटर कम होने की उम्मीद है। ठीक है, और लेह मनाली राजमार्ग लद्दाख के दो मार्गों में से एक 2020 में सुरंग के माध्यम से गुजरेगा। ठीक है, ये जो मार्ग है वो सुरंग के माध्यम से गुजरेगा। और रोहतांग दर्रा, आप यानी जिसको रोहतांग पास बोलते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होगा कि सर्दियों के महीने के दौरान भारी बर्फबारी और बर्फानी जो तूफान आता रहता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से क्या होता है, वर्ष में केवल 4 महीनों के लिए सड़क यातायात के लिए खुलता है। ठीक है, तो सुरंग सर्दियों के दौरान राजमार्ग को खुला रखेगा, मतलब सुविधा प्रदान करेगा कि आप सर्दियों में भी आवागमन कर पाएँ। और ख़ास तौर पर लेह का दूसरा मार्ग श्रीनगर द्रास कारगिल लेह राजमार्ग पर जो जिला पास के माध्यम से है वो लगभग 4 महीने बर्फ से अवरुद्ध हो जाता है वो भी। तो जो जिला पास के तहत 14 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण की योजना बनाई गई है।
ठीक है, उसके पास भी। तो उससे होगा क्या कि जो अक्साई चीन है, आप जानते हैं कि जो चीन ने अतिक्रमण किया था पश्चिमी सीमा में और इधर पूर्वी सीमा में, तो पूर्वी सीमा जो है वो मैकमोहन लाइन के आसपास है और इधर अक्साई चीन उनके कब्जे में है, ठीक है। तो अक्साई चीन और सियाचिन ग्लेशियर के सामने पश्चिम में सैन्य उपक्षेत्र में जो सैन्य आपूर्ति होती है, ठीक है, उसके आपूर्ति को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही अच्छा मार्ग साबित होगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें मैं जितना डिटेल में आपको बताऊं उतना ही आपको सुनने में वो कन्फ्यूजन होगा, तो आप इसको डिटेल में पढ़िए, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करिए। जैसे मैंने अभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ बताए कि किस लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है, और क्यों इसको बनाया गया है, मतलब क्यों इसका फैसला लिया गया था इसको बनाने के लिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप इनको नोट करके बकायदा इसको एक दो बार पढ़ें तभी समझ में आएगा ढंग से, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्ष 2019-20 के लिए किसे फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सिद्धार्थ बिरला, संगीता रेड्डी, डॉक्टर ज्योत्सना शूरी, नैना लाल किदवई। तो ऑप्शंस यहाँ पे ये दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे संगीता रेड्डी हैं जी। और ये भी जान लीजिए कि फिक्की का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1927 में हुई है, ठीक है। तो इन्होंने 2019-20 के लिए उद्योग चैम्बर फिक्की के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है और वह संदीप सोमानी को उन्होंने मतलब संदीप सोमानी इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, तो उनकी जगह पे आई हैं। और चैम्बर के जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उदय शंकर, उनको पदोन्नत किया गया है और संजीव मेहता उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला गया है, मतलब उनको कार्यभार दिया गया है उपाध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट से नोट कर लें इनको। आगे देखते हैं, हाल ही में लॉन्च किए गए अटल भूजल योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? स्टूडेंट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, तो इसको आप मिस मत करिएगा, इसको जितना डिटेल में आप पढ़ सकते हैं ज़रूर पढ़िएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 6000 करोड़ जी। तो केंद्र सरकार ने इस योजना हेतु 6000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और इसमें 3000 जो है वो विश्व बैंक देगा और 3000 जो है वो केंद्र सरकार देगी, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अटल भूजल योजना एक्चुअली में है क्या। यह योजना उन क्षेत्रों में भूजल स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है एक्चुअली में, और जिन क्षेत्रों में पानी काफ़ी नीचे चला गया है वहाँ का जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है, ठीक है। ये जल स्तर नीचे जो गया है वो कई रीजन से हो सकता है, एक तो उसके जल स्तर का दोहन, मतलब कि सिंचाई के लिए भी नलकूप के थ्रू जो पानी निकाला जाता है, ठीक है, बट उतना बारिश या उतना वहाँ पे स्टोर हो नहीं पाता है पानी का, मतलब वो जलस्तर जो है वो मेंटेन हो नहीं पाता जितना आप उसका दोहन करते हैं, जितना आप उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है, जलस्तर काफ़ी नीचे चला गया है और ये केवल जो रेड मार्क्ड स्टेट हो गए हैं जहाँ पे बहुत नीचे जा चुका है, ठीक है। तो ये योजना अभी स्पेशली उन स्टेट्स के लिए है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो जलस्तर का नीचे जाना है वो हर एक स्टेट में हर एक जगह में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही चिंता की बात है, अगर गवर्नमेंट ने इस पर स्टेप लिया है और इसको स्टार्ट किया है तो इसमें देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर समझ लें इसको, ठीक है। तो मैं भी स्पेशली आपको बता दूं कि इस योजना में जो राज्य शामिल हैं फिलहाल वो जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात, ठीक है। तो इन 7 राज्यों में बहुत ही नीचे तक जा चुका है जलस्तर, ठीक है। तो अभी इन 7 राज्यों के लिए स्पेशली ये योजना है, देखते हैं इसमें क्या सहायता मिलती है, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अब तक का सबसे पुराना जीवाश्म जंगल कहाँ पाया गया है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, भारत, न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है न्यूयॉर्क जी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो न्यूयॉर्क जो है उसके काहिरा शहर में ये मिला है, ठीक है, और ये उम्मीद की जाती है कि ये न्यूयॉर्क से लेके पेंसिल्वेनिया और भी उससे आगे तक फैला रहा होगा, ठीक है, और यह लगभग 386 मिलियन साल पुराना है, ठीक है। तो वहाँ पे जो वृक्ष के फॉसिल मिले हैं वो बताया जा रहा है कि वो शायद चीड़ जो पेड़ होता है उसके जैसा रहा होगा,
ठीक है, बट अभी क्लैरिटी है नहीं है, बट ये सबसे पुराना है, ठीक है। इसकी जो एज है वो 386 मिलियन साल पुराना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लें। आगे देखते हैं, अशोक लीलैंड ने वाणिज्यिक वाहनों के वित्त पोषण के लिए किस फाइनेंस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? सिटीकॉर्प फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, या हीरो फिनकॉर्प, या कार्वी कॉर्पोरेट? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सिटीकॉर्प फाइनेंस, ठीक है। और सिटीकॉर्प फाइनेंस इंडिया लिमिटेड अपने बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की भी पेशकश करेगा आगे चल के, अभी फ़िलहाल ये केवल फाइनेंस कंपनी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जान लें। और भी यहाँ पे ये सब फाइनेंस कंपनीज हैं, इनकी भी इम्पोर्टेंस है, बहुत ही उसमें बिजनेस के टर्म में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में भेल यानी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने भारत की पहली लिग्नाइट आधारित 500 मेगावाट की थर्मल इकाई किस राज्य में शुरू की है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो तमिलनाडु है, ठीक है। और इस परियोजना का जो स्वामित्व है वो एनएलसी इंडिया लिमिटेड के पास है, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है, ठीक है। लिग्नाइट आपको पता होगा कि ये बहुत ही निम्नतम स्तर का कोयला है, जिसको हम पत्थर कोयला भी बोलते हैं, ठीक है। इसका रंग जो होता है वो बहुत ही काला भूरा होता है, ठीक है। इसका घनत्व भी पत्थर कोयला से कम होता है, ठीक है। लाखों वर्ष पूर्व माना जाता है कि वानस्पतिक विकास की दर संभवतः अधिक तेज थी, ठीक है। वानस्पतिक पदार्थों का जो मतलब संचयन था और उनके जो जीव रासायनिक क्षय यानी जो बायोकेमिकल डिके अगर जिसको बोला जाए, तो उस बायोकेमिकल डिके से एक पीट का निर्माण हुआ, मतलब रचना हुई, और उसी पीट को माना जाता है कि ये इसके लिग्नाइट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें, टेम्परेचर, प्रेशर और जो रॉक्स हैं उनका इम्पोर्टेंस है इस लिग्नाइट को बनाने में, जिसको आप डिटेल में पढ़ लें, ठीक है। तो अभी तक ये निम्नतम स्तर का जो कोयला है उससे पावर प्लांट नहीं शुरू किया गया था, ठीक है। अब चूंकि ये शुरू हो गया है तो इसमें भारत में क्या है कि जो कोयले का भंडार है उसमें लिग्नाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। हमारे पास जो अच्छा कोयला है वो नहीं है, तो ये अच्छी बात है कि ख़राब कोयले से भी आप ज़्यादा ज़्यादा बिजली बना पाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें। आगे देखते हैं, यूनिसेफ 2019 पुरस्कार के लिए भारत के किस जिले को नामित किया गया है? तो ऑप्शंस हैं हैदराबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, या महबूबाबाद। तो ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे कामारेड्डी है, ठीक है। कामारेड्डी जो है वो आपको यहाँ पे समझ लेना है कि एक ये जिले का नाम है, ठीक है, और यूनिसेफ ने 2019 का पुरस्कार दिया है, ठीक है। क्यों दिया है? क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट ने, ये डिस्ट्रिक्ट जो है वो तेलंगाना का डिस्ट्रिक्ट है, ये भी जान लें, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल एवं शिक्षा कोष, यूनिसेफ बोला जाता है, ठीक है, इस पुरस्कार को जीता है। और इस जिले ने जल स्वच्छता, स्वच्छता क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको भी क्रियान्वित किया है। सैनिटरी लेवटर्स, स्वच्छ दर्पण दीवार, पेंटिंग, स्वच्छ सर्वेक्षण, स्वच्छ संदर्भ, शौचालय, और भी कई गतिविधियाँ हैं, ठीक है, स्वच्छ भारत के तहत। तो उसमें क्या है कि इस डिस्ट्रिक्ट ने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है, देश में शीर्ष पर है, ये इसको पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, नोट कर लें। आगे देखते हैं, किस क्रिकेटर की क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया CA की ODI टीम ऑफ द डिकेड का कप्तान बनाया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है आसिम अमला, महेंद्र सिंह धोनी, शकीब अल हसन, या विराट कोहली, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, इसको आप जान लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, इसको भी समझ लें, यहाँ पे याद कर लें। जैसे MS धोनी है, रोहित शर्मा, आसिम अमला, विराट कोहली, ठीक है, ये सारे नाम आप लिख लें, समझ लें, याद कर लें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया की CA कि वनडे टीम में शामिल नहीं किया गया है या शामिल किया गया है, ठीक है। तो आप तभी सही कर पाएंगे जब आपको नाम याद होगा, ठीक है। तो ये नाम यहाँ से समझ लें, इम्पोर्टेंट है। इस बीच अगर आप देखो तो विराट कोहली एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं
जिन्होंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक की टेस्ट टीम में जगह बनाई है। ठीक है, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई टीम भी बनी है और टेस्ट टीम भी बनी है। तो टेस्ट टीम में विराट कोहली एकमात्र मेंबर हैं। ठीक है, और वो भारत के इस कप्तान को टीम का कप्तान भी बनाया गया है। मतलब टेस्ट जो टीम बनेगी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया दशक की जो टेस्ट टीम है उसमें विराट कोहली को कप्तान भी बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जान लें। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इनको आप नोट कर लें। साल 2019 ख़त्म हो गया है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं पूरे साल में, आप उनकी एक झलक, उनकी एक मतलब रिव्यू आप ज़रूर करिएगा, कोई भी मैगजीन लेके, वार्स की खरीद के। ठीक है, या उसको आप ऑनलाइन ही स्टडी करना चाह रहे हैं किसी ऑथेंटिक सोर्स से, तो वहाँ से भी आप करिए, बकायदा नोट्स बनाइए। ठीक है, कोई भी इवेंट मिस नहीं होना चाहिए पूरे 2019 में जितने भी हुए हैं। ठीक है, तभी आपकी करंट अफेयर्स सही मायने में तैयार हो पाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।